हेलो वुड बी मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रेगनेंसी में आपको कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी तो हो रही होगी अपने बेबी के जेंडर को जानने के लिए, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग बेबी की शॉपिंग कर सकें, बेबी के रूम्स को रेडी कर सकें। लेकिन इंडिया में आप बेबी के जेंडर को बेबी के बर्थ के बाद ही पता कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको चाइनीज जेंडर कैलेंडर का प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, कैसे आप अपने बेबी के जेंडर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो बताऊंगी। वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, प्रेडिक्टर्स हैं, बट जो सबसे पॉपुलर है वो है चाइनीज़ जेंडर कैलेंडर। तो मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगी, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, कुछ भी ना मिस करें, एक एक स्टेप मैं बताऊंगी ताकि आप अपने बेबी के जेंडर को पता कर सकें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप वन की बात करते हैं। तो चाइनीज़ जेंडर प्रेडिक्शन चार्ट के स्टेप वन है मदर की लूनर एज कैलकुलेट करनी है जब मदर ने कंसीव किया है। अब उसको कैसे करते हैं, इस स्टेप को आप ध्यान से सुनिए। ने जब कंसीव किया है उस एज में आपको प्लस वन करना है। प्लस वन इसलिए करना है क्योंकि एज पर चाइनीज कैलेंडर जब आप अपनी माँ के पेट में होते हैं तो उसको भी चाइनीज कैलेंडर कंसीडर करता है। इसीलिए एज पर चाइनीज कैलेंडर जब आप पैदा होते हैं तब आप ऑलरेडी एक साल के हो चुके होते हैं। लूनर एज कैलकुलेट करने में एक डाउट आता है, कुछ लोग आपको बोलेंगे प्लस टू करिए और कुछ लोग बोलेंगे प्लस वन करिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्लस वन कब करना है और प्लस टू कब करना है। अगर आपका बर्थ 22 फरवरी से पहले होता है तो आपको कुछ बात का ध्यान रखना है, जैसे कि आपका जो डेट है बर्थ का वो 27 जनवरी से पहले है, यानी कि चाइनीज़ न्यू ईयर से पहले है, तो आपको अपनी एज में प्लस टू करना है। और अगर आपका जो डेट है बर्थ की वो 27 जनवरी के बाद है तो आपको प्लस वन करना है। होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब जल्दी से मैं आपको दो एग्जाम्पल लेके चाइनीज़ कैलेंडर से कैसे जेंडर प्रेडिक्ट करना है वो समझा देती हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। सपोज आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 दिसंबर 1996 है, जिसके अकॉर्डिंग आप 28 साल के कंप्लीट हो चुके हैं और आपने इसी साल जनवरी में कंसीव किया है। तो अब आपको सबसे पहला स्टेप जो है ल्यूनर एज कैलकुलेट करना है। उसमें करना क्या है, आपको प्लस वन करना है आपको करेंट एज में, यानी कि 28 प्लस वन इक्वल्स टू 29, जो कि हो गई आपकी लूनर एज। अब आपको अपनी लूनर एज को देखना है मंथ ऑफ कंसेप्शन पे। जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट किया था लूनर एज जो कि मदर की वो 29 आई थी और जनवरी मंथ में उन्होंने कंसीव किया। अब आप दोनों एरो पे देख सकते हैं, ऊपर साइड में आपको दिखेगा मंथ ऑफ कंसेप्शन और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं वर्टिकल लाइन में ये आपको दिखेगा मदर की लूनर एज। वो जहाँ पर कोइंसाइड करेगी, यानी कि आप 29 के आगे देख सकते हैं, वो बेबी गर्ल शो कर रहा है। इसका मतलब आपने भी गर्ल कंसीव किया है। अब ये बहुत आसान है देखना, आप देख सकते हैं इसको। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 जनवरी 1996 है और आपने लास्ट ईयर अगस्त में कंसीव किया और आप जानना चाहते हैं कि आपका बेबी का जेंडर क्या है, क्या बेबी होगा। तो जैसे कि जब आपने कंसीव किया था तब आप 27 ईयर्स के ही थे, 28 कंप्लीट नहीं किए थे। और एज पर चाइनीज कैलेंडर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपका बर्थ 27 जनवरी से पहले है, यानी कि चाइनीज न्यू ईयर से पहले है, तो आपको लूनर एज कैलकुलेट करते समय अपनी एज में आपको प्लस टू करना है। देखिए एरो इंडिकेट कर रहा है, अगर 29 को आप अगस्त के नीचे देखेंगे तो आपको बेबी बॉय शो कर रहा है, इसका मतलब आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। तो मैंने यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल लेके समझा दिया कि कब आपको प्लस वन लेना है, कब प्लस टू लेना है और कैसे आपको अपने बेबी का जेंडर प्रेडिक्ट करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये प्रेडिक्टर सिर्फ और सिर्फ वन के लिए है, ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है, इसके चांसेस 50-50% होते हैं। बॉय और गर्ल दोनों ही बराबर होते हैं, बस ये सब जो इंडिकेटर्स होते हैं ये सिर्फ फन पर्पस के लिए होते हैं और किसी पर्पस के लिए नहीं होते हैं। तो आप भी इसको सीरियसली नहीं लेंगी, प्रेगनेंसी में फन के लिए ही यूज़ करेंगे, बेबी गर्ल हो या बॉय ये सब आपको ऊपर वाला देता है और जो भी दे वो आपको बस हेल्दी दे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वुड बी मॉमीज को शेयर करें ताकि वो अपनी प्रेगनेंसी में जो क्यूरियोसिटी है वो जेंडर प्रेडिक्ट करने की वो कर सकें।